मथुरा से खबर है जहां पर सनातन हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा बांग्लादेश सरकार का नेशनल हाईवे पर पुतला दहन किया गया है। सनातनी हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार तोमर ने सनातनियों को लेकर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और मंदिरों की मूर्ति तोड़ने जाने सनातनियों को जलाने के विरोध में आज बांग्लादेश का पुतला दहन किया गया। तोमर ने चेतावनी देते हुए कहा कि मैं सरकार को भी बहुत जल्द पत्र लिख रहा हूं और इस घटना को हल्के में ना ले, आतंकियों पर तुरंत कार्रवाई करें और उनके खिलाफ विरोध करें। मैं सनातन हिंदू राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष प्रतिज्ञा करता हूं, बांग्लादेश में हिंदू सनातनियों पर हो रही अत्याचार ना रुकी तो सड़क पर उग्र आंदोलन होगा जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन खुद होगा। सर आपका नाम? मेरा नाम रण कुमार तोमर है, मैं श्री सनातन हिंदू रक्षा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर आपने जो आज पुतला फूका है किस वजह से फूका है? ये जो पुतला फूका हमने, ये बांग्लादेश के खिलाफ फूका गया है। वहाँ पर हमारे सनातनी भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उनके घरों को फूका जा रहा है, उन्होंने मंदिरों को भी अपना निशाना बनाया है। मैं कहना चाहता हूँ कि क्या आपको इस्लाम यही सिखाता है? हमारे देश में 30% मोमडन भाई है और आपको पता है यहाँ कितनी सुख शांति है। और हाल ही में आपकी जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने भी यही शरण ली है। तो हम भारत से ऐसा नहीं है कि हम शांति ही चाहते हैं, और हमारी शांति को आप हमें क्रांति में ना बदलने दे। हर चीज़ का जवाब देना जानते हैं, हर चीज़ का हिसाब रखते हैं हम। ये क्या किया आपने कि इस्लाम यही सिखाता है आपके कि हमारे मंदिर फोड़ो या हमारे सनातनों के या हिंदू के घर जलाओ? हैं, ये कौन है नाहिद? नाहिद इस्लाम नाम बोलता है, पीछे इस्लाम लगा इसने नाहिद ने, और ये नेतृत्व कर रहा है पूरे बांग्लादेश का है? इसने यही सिखाया उसको कि भैया ऐसे इसमें यही किया करते कि हम यहाँ सनातनियों को हिंदू को नहीं रहने देंगे उस देश में। अरे उससे तो ज़्यादा हमारे देश में देखो ना, हमने ये टुकड़े करके तुम्हें दिया था, इसलिए दिया था कि आप वहाँ पे अपनी हठधर्मी दिखाए। मैं कड़े निंदा में ये श्री सनातन हिंदू रक्षा दल का राष्ट्रीय होने का अध्यक्ष होने का मैं दावा करता हूँ कि आप हिसाब से रहिएगा और वहाँ पे किसी हिंदू को नुकसान ना पहुँचाया जाए, वरना इसका अंजाम बुरा होगा और ये आपको भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।